यहाँ माननीय सदस्य ने बात रखी उस सवाल से जो उनने पूछा था उससे बिल्कुल विपरीत। इनका सवाल था कि कितना कॉम्पनसेशन सिरसा ज़िले के अंदर दिया गया, वो डिटेल हमने दी। मगर जो माननीय सदस्य ने बात करी वो पिछले क्रॉप सीजन की खरीफ 2021 और उसके लिए सिरसा के अंदर लगभग 73 करोड़ और 86 लाख रुपया हमारी ओर से डिप्टी कमिश्नर को चला गया है। 13 करोड़ से ऊपर रुपया बढ़ चुका है। बचे हुए फार्मर्स जो हैं, जैसे जैसे उनकी अकाउंट डिटेल्स लिंक होती रहेंगी पैसा उनके खाते में जाता रहे। जहां गिरदावरी की परसेंटेज की बात है, मैंने कॉलिंग अटेंशन में भी बड़े डिटेल में कह दिया था कि आज के दिन जनरल गिरदावरी जो होती है और स्पेशल गिरदावरी जो होती है वो आदेश अनुसार और फिक्स डेट्स पर होती है। मगर हम जल्द एक ऐसा पोर्टल लेकर आएंगे जहाँ फार्मर भी अपनी क्रॉप लॉस के जो कंप्लेंट्स है उसको अपलोड कर पाएगा, जैसे आप मेरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करते हैं। और जैसे ही वो अपलोड करेगा उसको डबल वेरिफिकेशन का प्रोसेस बनाया जाए। जहां आप कहते हैं कि 25 की तरह जगह 23 लिख देते हैं, ये तो कोई एक साल दो साल का बनाया हुआ प्रोसेस नहीं है। ये रेवेन्यू प्रोसेस तो जब से गिरदावरी शुरू हुई है जब से हुई है, और ह्यूमन वेरिफिकेशन फील्ड के अंदर होती है वो एक एकड़ की होती है या पूरे रकबे की होती है, उसको आज डिटेल में बताना ये मेरे पास भी उचित नहीं।